हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डायमेंशनल एनालिसिस के पार्ट वन की वीडियो में मैंने आपको डायमेंशन के बारे में बताया था, डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें अगली इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या होता है। इसकी यूजेज बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको देखिए, ठीक है। तो इसमें पहला यूज क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कि अगर कोई यूनिट एक सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किलोग्राम में कोई चीज दी हुई है, ठीक है। जैसे आप दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार से कहेंगे अंकल जी 1 किलो चीनी दीजिए, आप ये भी कह सकते हैं अंकल जी 1000 ग्राम चीनी दीजिए, ये भी कह सकते हैं कि 10 लाख मिलीग्राम चीनी दीजिए, या ये भी कह सकते हैं कि 1/100 क्विंटल चीनी दे दीजिए। ये सब क्या होगा, अलग अलग क्या है, यूनिट है, बात समझ गया। अब वो एक किलो, 1 किलो चीनी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता आप जानते ही हैं, 10 लाख मिलीग्राम होता ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी तो सेम ही है ना, लेकिन अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मोशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपने लगाए होंगे, स्पीड दिया रहता है किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का या डायमेंशन का पहला यूज होता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम का मतलब समझते क्या है, ठीक है। कई सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे एक एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है, मीटर किलो सेकंड, ठीक है, इसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापते हैं। दूसरा होता है सीजीएस, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तीसरा होता है एफपीएस, ये ब्रिटिश सिस्टम है, अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का सिस्टम है ये, फुट पाउंड और सेकंड। जो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में लागू होता है वो एसआई सिस्टम होता है, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इसमें जो है लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड और करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। अब देखिए, जो पहला मैं आपको बता रहा हूं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो पहले जरा इसको आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 किलोग्राम, ठीक है, ये जो इधर लिखा हुआ है, जो इधर लिखा हुआ, दोनों इस पे, दोनों पे ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, 10 लाख मिलीग्राम या 1/100 क्विंटल, ये सेम क्वांटिटी है ना। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है पढ़े, 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होता है ये भी पढ़े हैं, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो अगर 1 किलो को क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 आएगा ना, ठीक है। तो देखिए, जो इधर वाला पार्ट है तो उस मास की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इधर वाला पार्ट क्या है, इधर वाला पार्ट जो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अलग अलग सिस्टम में यूनिट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखिएगा कि यूनिट जितना बड़ा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। जैसे 1/100 क्या होगा, 0.01 होगा, ठीक है। 1/100 क्या हो जाएगा, 1/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01, बात समझ रहे हैं इस चीज को। तो मास का जो इन सब में सबसे बड़ा यूनिट है वो क्या है, क्विंटल है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए कितना है, सबसे छोटा है, ठीक है। ये सबसे छोटा यूनिट है मिलीग्राम, क्योंकि आप देखते हैं ना मिलीग्राम से ही शुरू होता है, ठीक है। सबसे छोटा तो नहीं कह सकते इसको, इससे भी छोटे होते हैं, लेकिन जो जनरली आप पढ़ रहे हैं मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, उसमें सबसे छोटा यही होता है ना। तो मिलीग्राम में है तो इसका वैल्यू कितना है, 10 लाख है, ठीक है। और ग्राम में है तो 1000, किलोग्राम में है तो क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब ये होता है कि यूनिट जितना बड़ा होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही कम होता है, और यूनिट जितना छोटा होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है, बात समझ में आ रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ज्यादा है तो यूनिट छोटा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो यूनिट क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एनवी का मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, ठीक है। जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो उसके यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू एन है और यूनिट क्या है, यू है, तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या लिखेंगे, एन प्रोपोर्शनल टू 1/u, और आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने के लगा दिया, के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू यू इज इक्वल टू के, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास दो सिस्टम है,
कितने सिस्टम है, दो सिस्टम, ये पहला सिस्टम हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा सिस्टम हो गया। ठीक है, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू एन वन है और यूनिट क्या है, यू वन है। दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू है और यूनिट क्या है, यू टू है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले से देखिएगा, इसको मैं इक्वेशन वन मान रहा हूँ। ठीक है, एन यू इजिकल टू क्या है, के है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एन वन यू वन इजिकल टू के, इक्वेशन नंबर टू हो गया। और इसके लिए क्या होगा, एन टू यू टू इजिकल टू के, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो देखिए दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर। बात समझ गया, एन वन यू वन इक्वल टू क्या हो गया, एन टू यू टू। इन जनरल हम ये भी लिख सकते हैं, एन थ्री यू थ्री, एन फोर यू फोर। ठीक है, मतलब जिस क्वांटिटी में हम नापेंगे, जिस यूनिट में नापेंगे, उसके लिए उतने फार्मूले क्या होंगे, इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब ये जो मैंने लिखा, ठीक है, जो इतनी राम कहानी आपको सुनाई, ठीक है, अब इसका जो है एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है 72 किलोमीटर पर आवर को इनटू मीटर पर सेकंड में। जैसे आपको दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर है, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप पढ़े होंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर देते हैं, या सिंपली कुछ लोग बताते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके उल्टा अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, 18/5 से, या 3600 डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो आखिर वो चीज आती कहां से है, अब वो देखिएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा, ये क्या है, दिस इज स्पीड, क्या है ये, स्पीड है। ठीक है, और स्पीड का मैंने आपको डायमेंशन फार्मूला बताया था, वो क्या होता है, एल टी पर पावर माइनस वन, यही होता है ना, ये किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी पर पावर माइनस वन। ठीक है, अब हम देखिए हमारे पास दो सिस्टम है यहाँ पे, पहला सिस्टम है 72 किलोमीटर पर आवर और दूसरा सिस्टम है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहले सिस्टम में, पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 72, एन वन इजिकल टू मैंने क्या लिख दिया, 72, ये पहला सिस्टम है। ठीक है, और इसका यू वन क्या है, यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए करते क्या है, चूंकि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला एल टी पे पावर माइनस वन होता है, तो पहले सिस्टम में इसको मैंने लिख दिया एल वन टी वन पे पावर माइनस वन। ठीक है, तो ये पहले सिस्टम का हो गया। अब इसको हमको दूसरे कन्वर्ट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जिसे ऐसे भी समझ लीजिए इसको, कि इसमें आपको करना क्या है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, पहला सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है। तो दूसरे सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है, तो इसका मैंने क्या कर दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और यू टू है क्या, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अब चूंकि स्पीड ये भी है, तो एल टी पर पावर माइनस वन होता है, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, एल टू डी टू पर पावर माइनस वन। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है, एन वन यू वन इक्वल टू क्या होता है, एल टू यू टू, तो एन वन कितना है, 72 है, यू वन हो गया एल वन टी वन पे पावर माइनस वन, एन टू यू टू क्या हो गया, एल टू डी टू पे पावर माइनस वन। ठीक है, तो अगर यहां से हम एन टू निकालें तो एन टू इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे चला आएगा, ये हो गया 72 डिवाइडेड बाई एल वन टी वन पे पावर माइनस वन बटे एल टू डी टू पर पावर माइनस वन। तो इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, एल वन अपॉन एल टू और टी वन अपॉन टी टू पावर माइनस वन, देखो दोनों पे माइनस वन है ना, तो इसको मैंने लिख दिया टी वन अपॉन टी टू पर पावर माइनस वन। ठीक है, अब देखो एल वन किसमें है, किलोमीटर में, देख रहे हैं ना, किलोमीटर है। एल टू किसमें है, मीटर में है। ठीक है, टी वन किसमें, आवर में है। ठीक है, और टी टू किसमें है, सेकंड में। अब देखिए एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर आप जानते ही है। ठीक है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600, ये भी आपको पता है। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका 72। ठीक है, ये हो गया 1000 और ये 3600 पे पावर माइनस वन है ना, तो जब पावर को चेंज करेंगे, पास टू करेंगे, तो 3600 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये 00 से मैंने 00 काट दिया, 36 2 जा 72। ठीक है, 2 10 जा 20, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 20, और ये कौन से यूनिट में जा रहा है, मीटर पर सेकंड में ना, तो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए पहला यूज मैंने बता दिया, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए।
डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा यूज होता है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उनके बीच रिलेशन स्टेबलाइज करना, ठीक है, और उस रिलेशन को स्टेबलाइज करके हम उसके लिए एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर्म करने का मतलब सीधा सीधा जैसे फार्मूला, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा नाइन्थ में, एफ इजिकल टू एम में, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ये डिपेंडेंस हमको पता चल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को सीधे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। जैसे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आप जानते होंगे, शुरू क्लासेज में पढ़े होंगे आप, क्या होता है कि जब किसी लाइट स्ट्रिंग से, लाइट एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कोई क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जो छोटा हो, लाइट हो, क्या हो, भारी हो, हम लटका देते हैं, और उसके बाद वो क्या हो, टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए फ्री हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, रिजिड सपोर्ट, ठीक है, और इसमें मैंने एक धागा बांध दिया है जिसकी लेंथ क्या है, यल है, और इसको मैंने लटका दिया, तो फिर क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए फ्री होगा, तो इसी को सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, स्टेबलाइज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। मतलब ये कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो उसके लेंथ पर, ठीक है, और उस जगह पर, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी स्मॉल जी, आपने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में उसको, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है या नीचे से ऊपर जाती है, तो जो उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। या हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है किसी बॉडी के अंदर, जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वही क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो टाइम पीरियड दो चीजों पर डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का, एक उसकी लंबाई पर, उसके लेंथ पे, और दूसरा उस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, ठीक है। तो हमको टाइम पीरियड के लिए क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि सिंपल पेंडुलम अपने एक वाइब्रेशन में या एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लेता है। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का मतलब होता है, जैसे देखिए ये इसका मीन पोजीशन होता है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो इसके दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, एक इधर और दूसरा इधर, ठीक है, तो यहां से इधर और फिर इधर, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन हुए, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में, ठीक है, जो इसका बॉब होता है, इसको बॉब कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया मीन पोजीशन से, फिर अपने दूसरे साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और फिर अपने मीन पोजीशन पे आया, तो इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करने में, मैंने इतना इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, यही इसका एक ऑसिलेशन होता है, और इस एक ऑसिलेशन में जो टाइम होता है उसका टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड बताया गया है कि टाइम पीरियड किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। तो देखिए इसको लगाने का तरीका क्या होता है। अब देखिए टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मान लेते हैं कि टी प्रोपोर्शनल टू एल पावर ए जी पावर बी, ए और बी जो होता है कॉन्स्टेंट होता है बेसिकली, जैसे टी जो है एल और जी पर डिपेंड करता है, तो हमने मान लिया टी प्रोपोर्शनल टू एल पावर ए जी पावर बी, ए और बी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोपोर्शनल टू लगाया तो अब जानते प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो क्या होता है, एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो ये हमने के लगा दिया, के क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिया, ठीक है। के को कहा जाता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। डायमेंशन लेस का मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसे ही कोई संख्या होती है, एक दो तीन चार पाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, कोई भी चीज हो सकती है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, पहले जिसको निकालना रहता है, जिस पर डिपेंड करता है, उसको जो है हम क्या करते हैं, उसके अलग अलग पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या किए, कांस्टेंट लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद दोनों साइड का हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, मैंने लिखा है ना अनराइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। अब टी, टी क्या है, टाइम पीरियड है, मतलब टाइम है ना, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, ठीक है। के कोई डायमेंशन फार्मूला इसका होगा नहीं क्योंकि डायमेंशन लेस है। एल, एल लेंथ है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एल से। जी, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि एक्सीलरेशन है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सीलरेशन का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला एल की पावर माइनस टू, ठीक है। अब ये देखिए एल पावर ए हो गया, अब ये पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल पावर बी और टी पावर माइनस टू बी, ठीक है।
फिर उसके बाद और मल्टीप्लाई करेंगे तो एल पावर है, एल पावर बी, तो जब ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो पावर से पावर ऐड हो जाता है और टी पावर क्या हुआ माइनस टू बी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को कंपेयर कर लेते हैं, तो दोनों साइड में एल और टी ये डायमेंशन है, ठीक है, ए और बी क्या होते हैं, ये सब डायमेंशन ही है। मैंने बताया था ना कि एम एल टी थीटा ए इनका जो पावर होता है वो डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। अब दोनों साइड में डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। अब देखिए इधर एल है, ठीक है ना, इधर एल नहीं है, नहीं है ना, तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एल पे जीरो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप एल पे क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो, चाहो तो ना भी लिखो। तो इधर एल पावर ए प्लस बी, इधर एल था नहीं तो एल पावर जीरो लिख दिए, तो अब कंपेयर करो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। हमने क्वेश्चन नंबर टू मान लिया। दूसरा चीज देखो ये टी पावर कितना है, माइनस टू बी है, इस पर कितना मान लेंगे, कुछ नहीं है तो वन मानते हैं, बात समझ में आ रहा है, टी के पावर कुछ नहीं था तो वन पावर माना जाता है ना, तो माइनस टू बी इक्वल टू वन हो गया, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन अपॉन टू। अब इस बी के वैल्यू को हमने टू में क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, बी का वैल्यू माइनस वन अपॉन टू हमने यहाँ पुट कर दिया, अब ए इक्वल टू क्या हो गया, अब ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ए का वैल्यू हो गया वन अपॉन टू, ठीक है। अब हमने ए का भी वैल्यू निकाल दिया, बी का भी वैल्यू निकाल दिया, अब ए और बी दोनों का वैल्यू इक्वेशन वन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन वन, तो वन में पुट करिए, टी इक्वल टू के एल पावर ए जी पावर बी है, ठीक है, तो क्या हो गया ये एल पावर वन अपॉन टू और जी पावर माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। अब ये जी पावर माइनस वन अपॉन टू इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एल पावर वन अपॉन टू जी पावर वन अपॉन टू हो गया, के हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखो दोनों पे वन बाय टू पावर है ना, तो इसको एक ब्रैकेट में वन अपॉन टू पावर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि वन बाय टू पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। अब देखिए ये चीज जो है ये फार्मूला हो गया, ठीक है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक होता है, इसमें जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम के यूज करते हैं उसका वैल्यू इससे नहीं निकल पाता है, बात समझ में आ रहा है, तो या तो वो हमको पहले से पता हो या एक्सपेरिमेंटली हम उसको निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें जो ऐसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, पता होती जाती है, ठीक है। मुझे पता है के का वैल्यू टू पाई होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इतना छोड़ दीजिए एग्जाम में, ठीक है, अगर आपको के का वैल्यू नहीं पता होता तो आप इतना छोड़ दीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में के का वैल्यू क्या होता है, टू पाई होता है, तो मैंने लिखा बाय एक्सपेरिमेंट के इक्वल टू क्या होगा, टू पाई, तो टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक होता है, मैं पहले फिर से बता दे रहा हूँ कि डायमेंशनल मेथड से जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन स्टेबलाइज करते हैं तो उसमें जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे k इक्वल टू टू पाई होता है तो t इक्वल टू क्या हो गया, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा मेथड, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका तीसरा जो यूज होता है वो आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।